एक बार पकड़ दो मामा को। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर नजरें लगवाते हैं। इतना बीमार हुआ मैंने रात को, इतनी देर इसकी दवाइयां हम लेकर आए हैं। सारे दुआ करना कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मोशन मोशन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं? हम लोग आए थे बाहर। कौन सी वीडियो, कौन सा व्लॉग शेयर करेंगे? हम लोग यहाँ पे बाहर आए थे। अफ़ा सिनान जो है मेरा स्पेशल फोटोग्राफर बाहर आया था, मेरी पिक्स थोड़ी सी ली हैं। मैंने एक न्यू अबाया लिया था, इसका मैंने एक इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट बनाई है। उसके लिए सिनान ने मेरी बड़ी प्यारी प्यारी पिक्स खींची हैं। सिनान मेरा प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो गया। बिल्ली के चूहे दो दांत ले गए इसके। मुँह बंद करो, इतना गंदा मुँह। तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। अभी हमें रोज़ा खोलने में थोड़ा टाइम है, हम घर भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। आप सबकी ज़िंदगियों में आजकल क्या चल रहा है, आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कमेंट करके। बहुत सारा शादी सीज़न अभी ताज़ा ताज़ा गुजरा है, बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल हैं। और जो सिराना चुप करो, शादी के बाद हस्बैंड्स के साथ जो मसाइल आते हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड को अपने काबू में कैसे करना है, शोहर आपके कदमों में, महबूब आपके कदमों में, आपने ये सारा सिस्टम कैसे करना है। अपनी ज़िंदगी के तजर्बात मैं आपके साथ शेयर करूं या ना करूं, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा ना क्या कह सकते हैं, एंजाइटी है या बड़ा एक खौफ सा है कि मैं बात करते वक्त मुझे लगता है कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए लेकिन मेरे से हो नहीं पाती। लाइक मैं अगर अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। नहीं नहीं, मास्क पहना है, नहीं सांस नहीं मेरा बंद हो रहा, मैंने मास्क पहना है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर मैं अपना फेस रिवील करती हूँ तो आप लोग कैसा रिस्पांस दोगे, तो जनाब आप लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि मैं फेस रिवील ना करूँ और इसी पे अमल करूँ। इंशाल्लाह इसी के साथ साथ मैं वीडियोस बनाऊँ। तब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो मैं एक्चुअली मेरी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हुआ है, तो मेरे पास तजर्बा थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं आप लोगों की दादी अम्मा भी कह सकती हूँ, थोड़ी बड़ी हूँ आपकी अम्मा हूँ। मैं तीन बच्चों की अम्मा हूँ जी। तो मैंने ये कहना था कि ज़िंदगी ना आपको टाइम के साथ साथ बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। मेरा जो अभी आजकल जेन में और दिल में एक ही बात चलती है कि आप लोग किसी पर, चाहे वो आपके, अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती करते हो, दोस्त बनाते हो, या किसी पर अंदर ट्रस्ट करते हो, या किसी को ज़रूरत से ज़्यादा कंधों पर उठाते हो, यानी वन साइडेड लव आपकी तरफ से चल रहा होता है। लव ज़रूरी नहीं है कि वो एक लड़का लड़की के रिलेशन में ही हो। लव से मुराद ये है कि आप किसी को, जो आपके दिल में प्यार, इज्जत, मोहब्बत, रिश्ते, वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है, ठीक है। आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, इसके अलावा रिश्तेदार हैं, रिलेटिव में हैं, आपके कोई भी, लाइक किसी के साथ भी आपकी एक चाहत जो होती है, वो आप बेतबारी चाहत, मतलब मैं कह रही हूँ कि अन्नी चाहत ना करो, ठीक है। पहले देखो कि अगला जो है, हाँ मुझे एक बात बहुत बड़ी जेहन में आई है यार। मेरे साथ क्या हुआ है कि मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ है, ऐसी आंखें मेरी खुली हैं ना, कि मेरे या तो सिर्फ दुश्मन है या सब मुनाफिक हैं, कोई एक बंदा भी दोस्त नहीं है मेरा। मतलब अजीब ऐसे ऐसे लोगों के असली चेहरे मेरे पे खुले हैं ना, कि मैं ऐसी शौक दूँ कि मैं अभी तक उस शौक से बाहर नहीं आ रही। मेरी ज़िंदगी में मेरा जो असूल है कि अगर मैं किसी के साथ बनाती हूँ तो मैं बड़े दिल से बनाती हूँ, बड़े प्यार से, बड़ी चाहत से, और मैं कभी उसमें कोई मुनाफ़कत मेरे दिल में भी कभी नहीं आता। मैं सोच नहीं सकती यार, जिस बंदे को मैं इतना चाहूँ, जिसके साथ मैं सारी ज़िंदगी इतना इतना उसका करूँ, लाइक उसको, और अगला बंदा जो है वो आपके साथ दिल में कुछ और मुँह पर कुछ ले कर चलता रहा है एक टाइम तक, एक लंबे अरसे तक, सालों तक आपके साथ वैसे करता रहे और आपको रियलाइज़ ना हो, ठीक है। इस बात का दुख कहीं ना कहीं रह जाता है कि हमारी जो खलूस था उसका क्या यार, उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो बस यही है, मुझे उस टाइम पे दुख होता है कि अभी जो रिसेंटली मेरे साथ हो रहा है ना, कि मैं अपना फेस जो है डबल फेस सीख रही हूँ, कि मुझे अपना डबल फेस, अगर आपको इस दुनिया में रहना है ना तो आपको अपने डबल फेस बनाना होगा। लेकिन ये बात मुझे बहुत बुरी लग रही है, मेरे से हज़म नहीं हो रही, मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं हमेशा हमेशा छोटे होते से अगर किसी से दोस्ती करती हूँ तो बड़े दिल से, अगर दुश्मनी मीन ये, अगर मुझे कोई अच्छा नहीं है, कोई नापसंद है, मैं उसे बनाती नहीं हूँ, मुनाफ़कत नहीं करती कि दिल में मेरे उसके खिलाफ बुगस है लेकिन मुँह पर मैं मिट्टी छुरी मतलब बन जाऊँ। इस तरह वाला सीन मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, मुझे ये समझ, लोग ऐसे कैसे दिलों में, लाइक उनके कुछ है, मुँह पर कुछ है, ऐसे कैसे कर लेते हो? अगलों के आप जो है पुरखलूस जज्बात के साथ आप कैसे खेल लेते हो, और फिर खेलने के बाद मानना भी नहीं है, ये एक
मैंने कहा मैं भी ऐसा सीखना स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ। मुझे किसी ने बोला चुपचाप चलाओ, मुझे किसी ने बोला कि इंसान को ना जबान का कड़वा नहीं होना चाहिए, जबान मीठी रखो। तो मुझे बड़ा इस बात से दुख हुआ, मैंने कहा यार अच्छा दिल में इतना इतना बड़ा बुगज रखो, इतने इतने बड़े कीने रखो, इतना मेसापन रखो और जबान मीठी रखो, ये मेरे से नहीं होता। मैं जो दिल में है ना वो मेरे मुंह पे होता है, ठीक है ना। अगर मैं दिल से किसी को चाहती हूँ तो ठीक है। मैंने हमेशा ना यार मैं अपनी ज़िंदगी में ना बड़ी दुखी हूँ। मैंने मुझे ना दुखों के वो लेवल पे पहुंची हुई हूँ कि शायद फिर ये ऐसे फील होता है कि मैं अपनी अच्छाइयों को, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह मैंने जो अब मेरा ज़रफ़ था मैंने किसी के साथ जो ने की, शायद वो लोगों को ना लगे, ना लगता हो, मुझे लगता है ऐसे, मैंने अल्लाह के लिए सारा कुछ किया। लेकिन मुझे थोड़ा सा कहीं दुख ये रह गया कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी रियलाइज़ हो जाता कि अगलों का असली चेहरा जल्दी ज़रा दिख जाता, इतनी लेट क्यों, ये थोड़ा सा दुख रह जाता। अल्लाह ताला से शिकवा मेरा। फिर मैंने एक दुआ ये भी अल्लाह ताला से किया, मैंने कहा या अल्लाह पाक मुझे लोगों के ना इतने असली चेहरे ना दिखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, मतलब मुझे नहीं देखने, मुझे असली चेहरे ना दिखा। मुझे बड़ा ही दुख, कसम से मैं, मुझे उस फेक चेहरों के साथ ही लोग चलते रहे, कोई नहीं। लेकिन अब ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए हैं कि खुले हैं ना लोग, उनके असली चेहरे खुलते हैं, पता लगता है आपको, फिर उस पॉइंट पे आपको हिट होता है यार ये क्या होता रहा। चले कोई नहीं, होता नहीं रहा, आगे भी जिंदगी पड़ी है। अल्लाह सबकी जिंदगी करे, सबको खुश रखे, कोई मसला नहीं है। अच्छा कोई मसला नहीं है तो गाड़ी चलाओ ना। ओके गाइस, हम बिल्कुल घर के पास ही गए थे, अभी हम घर आ गए और मेरा गुद्दू से जो चोला था उतर गया। फाइन, अस्सलाम वालेकुम करो, नहीं तो अस्सलाम वालेकुम तो करो, अस्सलाम वालेकुम कर दो, अस्सलाम वालेकुम तो कर दो। मेरे जो आज लेंस है ना वो स्नोफॉल वाले हैं, इनके अंदर कुछ कुछ है इसी वजह से आंखें अजीब अजीब सी लाइश ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम करें, अस्सलाम वालेकुम, मामा को पापा भी कर दें। ओए मिथा, मामा की जान है। अनिश को भी एक और यहाँ पे कर दो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ गया है बटन मेरे, ये यहाँ पे एक पारी कर दो। स्टोन्स हैं। अच्छा एक बार ये पापा कर मोशन, तुझ नहीं थाते हम, तुझ नहीं मिठू तोतू, बस दिल का सा कैमरा इस पे ही रख छोड़ो, इस तोतू दख पे चलें हम ना। ये लशीज उतार दूँ, ये लशीज जो है ना बड़ी खूबसूरत है, थोड़ी सी हैवी है, ज़्यादा बड़ी हैं, ये ना स्वीट टच की हैं, फ़र्क चेक कर यार क्या है, कोई नहीं, फैशन करो, मेकअप करना सीखो, किसी ने मना किया? लेंस भी निकाल लेते हैं, बड़ी सर दर्द हो रही है। सुकून आ गया, सुकून। चलें गाइस, ओके गाइस, गर्मियों में भी ना जॉगर्स पहनना मेरे न्यू फेवरेट हो गए हैं। एक्चुअली मैंने नोट किया कि पाँव ना ज़्यादा गंदे होने लग गए थे, तो मैंने कहा अब जॉगर्स ही पहनने करने हैं, सॉक्स उतारते हैं सॉक्स के साथ। मैंने देखा लड़के भी तो बाहर जाते वक्त सॉक्स और जॉगर ही पहन के रखते हैं ना, उनको तो कुछ नहीं होता, इसीलिए लड़कों के पाँव कितने नीट एंड क्लीन होते हैं और हम लड़कियों के गंदे हो जाते हैं। मैंने थोड़ी केयर करनी शुरू की है पाँवों की, यहाँ तो गंदे ही लग रहे हैं, पाँवों की थोड़ी सी मैंने केयर स्टार्ट की है तो थोड़े से बेटरनेस हो गया, नहीं तो बहुत ही रफ हो गए थे पाँव। चले बेबी चूसता है। ओके गाइस, ये बाया उतार दी हमने, वहाँ पे रखा है वो मैंने पीछे चेयर पे, थोड़ा सुकून हुआ है। तोबा, गर्मी इतनी ज़्यादा थी जिसका कोई हिसाब नहीं। ओके गाइस, ये तीन बच्चे जो हैं मेरे काबू ही नहीं आते, इनकी वीडियो बनानी होती है, ये मेरे तीन अदद सपूत हैं। आपका नाम क्या जानी, आपका नाम क्या? बोले अफान। और ये एक अदद मेंढक है मेरे घर में, आपका नाम क्या? सिनान अहमद। आपका नाम क्या? अफान। बोले ना, इतनी शर्म, आपका रिश्ता देख रहे हैं यहाँ पे। आप मेरी बात सुनो तीनों, आप दिनों को बहन का शौक नहीं है, आपकी कोई बहना भी होती है? अच्छा मामा ज़्यादा अच्छे लगती हैं कि बाबा? सिनान, आपको मामा अच्छे लगते हैं? बोले मामा। नहीं, जोर, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, लो बहन आपको मामा अच्छे लगते हैं कि बाबा? सही सही बताना, दिल से बताना, सच्ची बताना, बताओ कौन? मामा और अरफान, आपको मामा या बाबा? मामा, बाबा, मामा अच्छी लगती है? मामा मामा
ये बाबा बाबा मैं मैं मेरा बेटा बोलना सीख रहा, शर्म आगे बान आपको नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं है, अगर अगर बाबा अच्छा लगता है बाबा बता दो क्यों बाबा क्यों नहीं अच्छे, नहीं नहीं जान नहीं छुड़वानी हमारे घर में ना, आप जहाँ भी देखेंगे ना आफान के जूते नजर आएंगे, ये ले बाबा भी तो लेकर आते हैं। अच्छा 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 उसको दो उसकी मर्जी, ये देखें ये देखें ये छोटा बच्चा लड़ता है और ये बड़ा, ये चक्की काटी गई लड़ाई होगी स्वेयर किस्म की, ये लो मेरा बेटा, ये लो वो पकड़ के बैठेगा ना, वो पकड़ के बैठेगा, छोटा पूरे मुकाबले करता है पूरे मुकाबले। चलो अब उसने लेके बैठना है ना, सिर्फ वो कह रहा है मैंने लेके बैठना है, हर हमारे पूरे घर में ना हर जगह पे फ़ान की जूतियाँ नजर आएंगी। बस गाइस ये देखें फ़ान की दवाइयों का पंडारा बॉक्स है, आपने ज़रूर दवा करनी है कि फ़ान की तबीयत अल्लाह ताला जल्दी जल्दी सही हो जाए। इतनी उसको माशाल्लाह कह रही हूँ, उस तक इतनी मुश्किल से हमने उसको दो दो करके घंटे गाइस रोज़ा खुल गया। आज हम लोगों ने कुछ भी खास नहीं बनाया, हमारी कल की सब लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं, ये हमारे पास स्पैगेटीज हैं। बेबी क्या चाहिए आपको? ओ बिस्मिल्लाह हस्बी अल्लाह, ये देखें ज़रा स्पैगेटीज की बारात आ गई है। हाँ जी हमने ये बनाया सिर्फ़ और सिर्फ आलू के कतले जो हमारे बहुत फेवरेट हैं, आज हमने सिर्फ ये बना लिया। फिर मैं डाल देती हूँ मांजा नहीं, आपको डाल देती हूँ आप सब्जियाँ। गाइस आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आलू के कतले किस किस के फेवरेट हैं, बहुत ही टेस्टी मेरे बने हैं, यम्मी यम्मी यम्मी। बस आज के बाद रोज़ यही बनाने हैं, अब तारीख़ करने का कोई मज़ा तो है थोड़े से मार्ग। नहीं नहीं आज मैंने बनाया अभी थोड़ी सी रात में चाट ली, मेरी बच्ची भी हैं। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला शहजादा शहजादा बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। गाइस अफ्तारी हो गई है, नमाज़ पढ़ ली हमने, बेबी को हमने सारी दवाइयाँ पिला दी हैं ना, बेबी बेबी का मुंह गंदा हुआ है बहुत मुश्किल से पिलाई हैं, अब इसको थोड़ी देर ये सोएगा। मुझे लग रहा है कि आज के व्लॉग में मैंने कुछ बोल दिया ज़्यादा ही, किसी को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगले के दिल को तो पहले ही आपने तोड़ दिया है, तोड़ गया ठेस ठेस पहुँची हुई है, मेरा लाइनर फैल फैल के फैल गया। अच्छा मैंने ना बड़ा अच्छा एक टिकटॉक पे ना एक वीडियो देखी थी, मतलब कि दोस्त जो होता है ना, दोस्त और दुश्मन वो आपके बिल्कुल सामने सामने होते हैं, और जो मुनाफिक होता है ना वो आपके हमेशा साथ होता है। मतलब दोस्त को भी पता होता है ये दोस्त है, सामने पता है ये दोस्त है, दुश्मन को भी पता है वो आपका दुश्मन है, ठीक है। मुनाफिक बंदा जो है ना वो हमेशा वो आपके साथ होगा, मतलब पता नहीं लगेगा आपको। बात बहुत गहरी है लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी पहचानो अपने इर्द गिर्द लोगों को, किसी पे इतना अंधा इतबार करना, अंधा इतमाद करना, अपनी फीलिंग्स को लुटाना उस पर, है नहीं यार, नहीं वारा नहीं खाता भला क्या। मतलब ना तीन पाँ मैं वैसे मैं ना मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी का नाम मेंशन ना करूँ, लेकिन वैसे ही आपको अपना तजर्बा बताऊँ, वैसे एक्सपीरियंस बताऊँ, या जो मैंने अक्सर बातें सुनी हैं अपनी करीबी कह सकते हैं या कुछ भी वो आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन मैं किसी का भी नाम मेंशन नहीं कर रही, किसी को भी टारगेट नहीं कर रही, किसी का भी नाम लेकर मैं यहाँ पे नहीं कह रही, ठीक है। मतलब चार पाँच साल, मतलब एक लंबा अरसा आप किसी पे इतना अंधा इतबार करके, इतना अंधा इतमाद करके, मतलब उसको आप अपना सारा कुछ समझते रहे, ठीक है। आपको कोई दूसरा बंदा इवन बताता भी रहे कि यार वो आपके साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन आपको नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आपने इतना लेवल कर लिया ना अपने इतबार का कि एक बंदा आपको समझाता समझा भी रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं आपको वार्निंग भी दे रहा है कि वो बंदा आपके साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन नहीं। फिर जब आपको खुद ठोकर लगी, खुद आपकी आंख खुली, कुछ ऐसा सिनेरियो बना, उस टाइम पे जो दिल टूटा ना, दिल तो टूट गया उसकी, खैर है दिल तो बहुत दफ़ा टूटता है, दिल टूटने के लिए ही बना हुआ है, टूट ही जाता है, हर रोज़ ही टूटता है, वो टेंशन नहीं है। लेकिन आइंदा के लिए बड़ी पक्की आंखें खुली हैं। मेरे ना एक बहुत बड़ा मसला है कि मैं ना अगर किसी को दोस्त बनाती हूँ दिल से बनाती हूँ, नफ़रत है तो दिल से है यार, मैं ये मुनाफ़िकत दिल में मैं रखूँ, बुगस दिल में मैं कहूँ मैंने इस बंदी, ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, इस ये इतनी ऐसी है वैसी है, इसकी ये बात इसकी वो बात, और मुँह पे जनाब है मिठी छुरी, राम राम, नहीं नहीं तुम सही हो तो तुम ये तुम, मतलब मक्खन लगाना चापलूसियाँ करना मेरे से नहीं होता, सीधी जड़ी गल है।
आप लोग भी जो है अपनी ना जरूर जरूर स्टोरीज में ये बातें बोलते हो, मेरा दिल बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है, रमज़ान का महीना है। लेकिन मैंने कहा शायद मेरा, मैं ना काफ़ी बहुत मेरे साथ मतलब इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं ना कि मैंने बड़ा बड़ा टाइम डिप्रेशन में गुजारा हुआ है। तो वो जब आप बात मतलब ये ऐसी बातें हो जाती हैं कि आप किसी से बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, तो मैं इसीलिए सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे, बहुत, मैं 100% सारे लोग कोई ना किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी ना किसी बात का, परेशानी का, अपनों से रिलेटेड, अपने करीबी रिश्तेदारों से रिलेटेड परेशानी का शिकार हैं, तो वो शेयर भी नहीं कर सकते किसी से। तो आप लोगों के लिए मेरा कमेंट बॉक्स जो है ओपन है, अपने दिल की पड़ासे निकालो, गालियाँ दो, जिसको जो कहना कह लो, मैं आप सब की बातें सुनने के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आप सारों के कमेंट्स रीड करूँगी, इससे क्या है कि आपकी टेंशन जो है, आपका डिप्रेशन लेवल, आपकी टेंशन वो थोड़ा रिलीज़ हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना कि आप लोग हमेशा ना अपनी नीयत साफ रखना, जिस इंसान की नीयत साफ होती है ना और नीयत नेक होती है, अल्लाह ताला उसको उतर देता है यार, उसका अल्लाह ने बेड़ा पार कर दिया। और जिसकी नीयतों में होता ना खोड़, तो दुनिया तो उनकी ख़राब, आखरत तो वो ख़राब करते ही करते हैं, दुनिया में भी उनकी ख़राबी पक्की है। क्योंकि दीन में भी आता कि हमारे हर अमल का दारो मदार जो है ना वो नीयत पर है। मैंने अपने दुपट्टे से ही नकाब किया है, बच्चे मुझे तंग कर ही जा रहे हैं। तो बस जनाब, आप लोग ना अपनी नीयतों को हमेशा साफ रखना, ठीक है। अगर कोई बुरा करता है तो उसको करने दो, आप कभी बदले में उसके साथ बुरा ना करना, ठीक है। गुस्सा आ जाता है, कुछ बंदा बोल लेता है और अगला ये समझता है कि इसने हमारे से लड़ाई ही कर ली है, मतलब उसे ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो अपने दुख में, तो दुख के लेवल में ये बात कर रहा है। लेकिन कोई नहीं, छोड़ो इस गल को भी छोड़ो, बस आप लोग अपनी नीयत हमेशा साफ रखना। आज के व्लॉग का मेरा मोरल यही है कि आप लोगों ने नीयत में अपनी ख़राबी नहीं करनी है। और अगर आप लोग कहीं मेरा वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे के साथ ज़्यादती कर रहे हो, किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, किसी दूसरे के सीक्रेट्स, या वो आपको इतना अपना दोस्त मानता है और आप उसकी बातें इधर से उधर पहुँचा रहे हो, या उसके साथ किसी भी तरीके का ना गलत सलूक फ्यूचर में करने वाले हो, वो आपके साथ अच्छा कर रहा है लेकिन आप फ्यूचर में, आपको पता है कि आप उसके साथ बुरा करोगे, तो आप पहले से उसको फील कराओ कि भाई मैं तुम्हारा सक्का नहीं हूँ, ये मुनाफ़त ना दिखाओ, ठीक है। छुरी मत घूमो उसमें ये मुनाफ़त की। बस मैंने यही कहना था, मेरा दिल हो गया थोड़ा सा हल्का, और मैं और भी इंशाल्लाह दिल हल्के करती रहूँगी आप लोगों के साथ। मेरे पास और मेरे जहन में ना खिचड़ी पकती रहती है, बहुत सारी बातों की पकती है, लेकिन मेरे से बोला नहीं जाता। सही बात है, मेरे में ना हिम्मत नहीं होती थी पहले, तो बिल्कुल भी नहीं होती थी बोलने की, तो अभी थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत आने लग गई है। मतलब आप अपना हार्ट स्पीक आउट करोगे तो आपका जो दिल कम, थोड़ा डिप्रेशन कम होगा, तो आप सारे मुझे दोस्त मान लेना, ठीक है। कोई भी टेंशन है इधर निकाल दो, लेकिन अपनी नीयत साफ करके उस उन लोगों को कभी बदले में बुरा नहीं कहना, ठीक है। उसका हिसाब अल्लाह ताला पे छोड़ देना। चलें जी गाइस, आज का व्लॉग हम लोग एंड करते हैं अफान के साथ, बिल्ली के साथ, बिल्ली मुंह में नहीं डालते। और अफान के लिए ज़रूर आप लोगों ने दुआ करनी है कि अफान की तबीयत ठीक हो जाए, ठीक है। आपको पता ना अफान की तबीयत नहीं ठीक, कुछ खा पी नहीं रहा, दवाइयाँ पर चल रहा है अभी। तो वीडियो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। रोज़ों में जनाब कैसे जा रहे हैं, बड़े ही थकावट वाले रोज़े, अल्लाह ताला खैर आफिस का आखिरी अशरा शुरू होने वाला। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। बाय गाइस, हम सोने लगे हैं। अफान अफान कैसे सोता है ये देखें, इसको एक्टिंग बड़ी करनी आती है। अफान सो के दिखाओ, ये जी सो भी गया अफान, फेवरेट इस टाइम कार्टून देख रहा है। अफान आइज़ बंद करके दिखाओ, छोड़ो चलाने इसको, कह दो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दे दफ़ा। ओके गाइस, अभी हम जो है अमरूद ट्राई करने, ये क्या आ गया इसके अंदर पता नहीं क्या, अमरूद ट्राई करने लगे हैं, अमरूद खाने लगे हैं, ट्राई करें हैं, सीधा खाने ही लगे हैं। मुझे ज़्यादा मज़े के है ना माँ, ये मेरे हस्बैंड जो काट के लाए हैं मेरे लिए, मैं चेक करके ना, नहीं नहीं मज़े के। बेबी को हमने सुला दिया, पिन छोड़ा वो, मैं फिडो लेके सो रहा हूँ। मारा ऐसा लग रहा है नकली सोया हुआ, देखें ये हमेशा ऐसा लगता है कि नकली सोया हुआ।